फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड बेबी हेल्थ केयर। मैं हूँ दिव्या। आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बेबी बॉय होने के कौन से सिम्टम्स होते हैं। इस वीडियो में बिल्कुल भी डिफरेंट लक्षण शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल भी नए सीक्रेट लक्षण है और ये मेरा खुद का अनुभव है। एंड मेरे घर में, मेरे फैमिली में जितने भी लोगों को लड़का हुआ है ना, सबके एक्सपीरियंस जो है इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरा ये वीडियो कहीं से भी जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ावा नहीं देता है। मैं सिर्फ अपनी प्यारी बहनों की मन की जिज्ञासा को, उत्सुकता को शांत करने के लिए ऐसी वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज इंजॉय इस वीडियो को, वॉच कीजिएगा। एंड सबसे पहले आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। एंड वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। मुझे कमेंट आया था कि डियर, मुझे लड़का हुआ था और मेरे हेयर बहुत ज़्यादा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है जब आपने एक लड़के को कंसीव किया है। तो हेयर फॉल की जो भी समस्या है वो बंद हो जाती है और हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, हेयर सिल्की शाइनी होने लगते हैं, हेयर धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं। दूसरी तिमाही खत्म होने तक हेयर की सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती है। लेकिन उनका क्या कमेंट था कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और जब उन्होंने एक लड़की को कंसीव किया था तो उनका हेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो ये वाला जो लक्षण है ना, ये सभी महिलाओं में नहीं देखा गया है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको लड़की के टाइम में हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ है। मुझे तो लगता है 60% तक महिलाएं ऐसी हैं जिनको हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा हुई है लड़कियों के टाइम में, और लड़कों के टाइम में उनकी हेयर ग्रोथ की जो रफ्तार है वो दुगुनी तीनगुनी हो चुकी है। तो अगर आप लोग के साथ क्या हो रहा है, हेयर ग्रोथ हो रही है या हेयर डैमेज हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, जो भी हो रहा है, मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मेरे जो दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या सच में हेयर फॉल से लड़की भी होती है, तो प्लीज ये मुझे क्लियर कर दीजिए कि क्या सच में ये सटीक होता है कि नहीं होता है। मुझे थोड़ा सा आइडिया जरूर रहना चाहिए, तभी मैं जाके अपनी और बहनों तक ये इन्फॉर्मेशन सटीक शेयर कर पाऊंगी। नेक्स्ट देखा गया है पेट पर लाइन। पेट पर लाइन का भी मुझे कमेंट आया था कि उनका जो लाइन था वो बहुत लाइट था, बहुत ज्यादा लाइट था और एकदम से मतलब ऊपर की तरफ जा रहा था, एकदम सीधे ऊपर की तरफ जा रहा था। ये तो लक्षण सटीक है लड़कों में, लेकिन जो वो लाइट था वो लाइट नहीं रहता है, लड़कों में डार्क रहता है। तो उनका लाइट था और सीधे ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उनको एक लड़का ही हुआ था। और पेट कैसा था, पेट बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि उन्होंने मतलब वो गर्भवती है या वो प्रेग्नेंट है, तो वो नहीं पता चलता था। उनको कोई देख करके ये नहीं बोल पाता था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, बट उन्होंने एक लड़के को कंसीव किया था, उन्होंने एक लड़के को डिलीवरी जन्म भी दिया। तो ये दो लक्षण मैंने आप लोग के साथ शेयर किए, ये बिल्कुल भी अपोजिट है, लेकिन उनको लड़का ही हुआ था। थर्ड लक्षण ऐसा देखा गया है कि गले में जलन और खराश उनको पूरी प्रेगनेंसी बनी रही, चाहे वो पानी पिए चाहे नहीं पिए, कुछ भी करें, कितना भी मेडिसिन लें, कुछ भी करें, बट पूरी प्रेगनेंसी उनके गले में खराश बनी रहती थी। तो उनको एक लड़का हुआ था, गले में खराश बनी रहती थी पूरी प्रेगनेंसी उनको, ऐसा हुआ। ये नहीं कि एक दो महीना हुआ या दूसरी तिमाही में हुआ, ऐसा नहीं, 1 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक उनके साथ ऐसा हुआ, गले में खराश जलन बनी रही, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कुछ भी खाने पीने में, लेकिन फिर भी उनको एक लड़का हुआ था। नेक्स्ट शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं जो भी कमेंट आते हैं वो मैंने कमेंट पढ़े हैं और बहुत सारे महिलाओं ने मुझे कमेंट किए हैं और उनके साथ जो भी सिम्टम्स दिखे हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ खुद का भी अनुभव है वो भी शेयर कर रही हूँ। देखिए एक और कमेंट आया था, मैंने देखा कि उन्होंने बोला था कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो गलत बोल रही हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें आने और नहीं आने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सभी महिलाएं हैं और महिलाओं ने लड़के या लड़की कुछ ना कुछ तो जन्म दिया ही है, क्योंकि हम लोग को ये सौभाग्य है कि भाई हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और जो भी एक बच्चे को जन्म दे चुका है उनको तो अनुभव तो वही जाता है कि उनके पूरी प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स रहे हैं, डिलीवरी के बाद उन्होंने कैसे अपने दिन काटे हैं, इतना तो अनुभव हो ही जाता है हर एक महिला को जिनकी भी शादी हो चुकी है एंड जिन्होंने भी बच्चे को जन्म दे दिया है। तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको नहीं पता होता है, अभी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, जैसे कि मैं खुद फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं
खुद मुझे इतना अनुभव नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे हमें प्रेगनेंसी को काटना है। एंड कुछ भी परेशानी होती थी तो मैं डर जाती थी बार बार। मैं मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं रोने लगती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं वीडियोस देखती थी और बुक्स पढ़ती थी कि क्या प्रॉब्लम्स है, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन लोग से बातें करती थी कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो मुझे धीरे धीरे अपनी प्रेगनेंसी जैसे ही खत्म हुई, मुझे बच्चे हुए, वैसे ही मुझे मालूम पड़ गया कि भाई क्या क्या होता है। तो इसके लिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि भाई अगर आप लोग भी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए हैं, किसी किसी महिला को मतलब नहीं मालूम पड़ पाता है कि क्या होता है, सेकेंड बार भी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको उतना अनुभव नहीं हो पाता है, तो नहीं होता है ऐसा कुछ। तो जिनको नहीं मालूम होता है वो वीडियोस देख करके कम से कम उनको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। इसके लिए हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि ताकि आप अगर अकेले रहते हो, आपको नहीं मन लगता है, तो आप वीडियोस देख करके अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। तो आप लोग अगर खराब कमेंट करोगे, बैड कमेंट करोगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं गलत बता रही हूँ, मैं गलत क्यों बताऊंगी आखिर मैं आप लोगों को। मुझे जो अनुभव है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ एंड मेरे जो कमेंट आते हैं उनको मैं पढ़ के आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो जो मुझे बताए हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जितने भी पुराने जमाने में जो भी अनुभव किए हुए हैं बड़े बुजुर्ग थे, जितने भी बातें बनी हुई हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो सबकी प्रेगनेंसी जर्नी एक जैसी नहीं होती है, सबके बॉडी टाइप भी एक जैसे नहीं होते हैं एंड सबके खून भी तो एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी तो आप लोग को मालूम है। तो सबके सिम्टम्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं, सबके सिम्टम्स भी अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके हेयर ग्रोथ हो रहा है तो जरूरी है कि आपको लड़का ही हो जाए, सिम्टम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझे खराब मतलब बैड कमेंट किया तो मुझे पढ़ के ये अफसोस हो रहा था कि बहन को इतना भी मतलब मालूम होना चाहिए कि भाई जो प्रेग्नेंट है, जिनको बच्चे हो चुके हैं, तो वो अपनी कुछ थॉट्स अपने प्यारे बहनों को, अपनी कुछ थॉट्स अपने बहनों के तक पहुंचा रही है, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत सही से आपने बताया। और कुछ कमियां हैं तो मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूं कि मेरे से कुछ छूट रहा है या कुछ मैं गलत बोल रही हूं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी कुछ अनुभव हो सके कि क्या होता है। ठीक है, डॉक्टर भी जो डॉक्टर बन जाते हैं एक बार में उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, थोड़ा सा अनुभव जब धीरे धीरे वो ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे डिलीवरी करना स्टार्ट करते हैं, तभी जाके उनको भी अनुभव होता है कि हाँ कैसे होता है। डॉक्टरी अगर आप कर रहे हो तो आप एक ही बार में अगर आप पूरी पढ़ाई कर लिए, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपका नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस पे ही सब होता है। तो मैं भी अगर वीडियो बना रही हूँ तो आप लोग मुझे अपना कमेंट बताएंगे, अपना लक्षण बताएंगे, सिम्टम्स बताएंगे, मैं भी धीरे धीरे आप लोग के साथ सीखूंगी तो भी मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अनुभव जो है वो बढ़ेगा, तो मैं और अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर कर पाऊंगी। तो आशा करती हूँ ये जो मैंने 2-3-4 लक्षण इस वीडियो में शेयर किए आप लोग को पसंद आई होगी एंड आपको समझ में आया होगा कि कुछ भी होता है बुरा नहीं होता है, गलत नहीं होता है, बस हमारा अनुभव है जो अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है, अलग अलग तरह से होता है। मेरा अनुभव कुछ और है, आपका अनुभव कुछ और है, तो वही मैं अपना आपके साथ शेयर करूं, आप अपना मेरे साथ शेयर कीजिए, तभी जाके हमें पता चलेगा कि कौन से सिम्टम्स किस टाइम में दिखते हैं। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।